आई वुड से पावर बी आई, इसके दो रीजंस हैं. एक तो जो पावर बी आई का इंटरफेस है वो एक्सट्रीमली ईजी है, एक्सट्रीमली ईजी. जब आप पावर बी आई को टूल को देखते हो ना, तो आपको एक बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है, ईजी फीलिंग आती है, कंफर्टेबल हो जाते हो आप तुरंत टूल के साथ में. सेकेंड, जो ई टी एल टूल है पावर बी आई का, जिसको हम पावर क्वेरी एडिटर कहते हैं, वो इनबिल्ट है. जैसे कोई टैबल्यू सीख रहा है तो उसको डेटा को क्लीन और ट्रांसफॉर्म करने के लिए टैबल्यू प्रेप सीखना होगा. तो फीलिंग ऐसी आती है कि अच्छा एक और टूल सीखना है, बट ऐसा नहीं है. तो पावर बी आई में ये दो बेनिफिट्स रहेंगे आपको. नहीं, आपको पावर बी आई सीखने के लिए एक्सेल की कोई भी नॉलेज होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. अगर आपने ज़िंदगी में कभी एक्सेल खोला भी नहीं है, आप तब भी पावर बी आई सीख जाओगे. प्री रिक्वायर्ड साइट्स पावर बी आई सीखने के लिए होंगी क्लैरिटी ऑफ डेटा. जो भी डेटा आपको एनालाइज करना है, जिस भी डिपार्टमेंट का डेटा आपको एनालाइज करना है, आपको उस डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको उस डेटा पे क्लैरिटी होनी चाहिए. अगर आप एचआर डिपार्टमेंट का डेटा एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या केपीआईज होते हैं एचआर डिपार्टमेंट में. एक एचआर प्रोफेशनल के लिए क्या ज़रूरी है एनालाइज करना, क्या क्या एनालाइज उसको करना है डेटा में, जिससे वो अच्छे बिजनेस डिसीजंस ले सके, मार्केटिंग कर सके अपनी कंपनी की, तो वो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऐसा सच कुछ नहीं है. कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है कि आपको कितना सीखना है. अगर आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर बी आई सीखना है, तो 2 घंटे आप रोज लगाएं एक महीने तक, तो कुछ 60 आवर्स का जब स्टडी कर लेंगे आप, तो आप डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर बी आई सीख जाएंगे. अदरवाइज टूल बहुत बड़ा है, कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि मुझे पावर बी आई आता है या मुझे पूरा डेक्स आता है. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. 250 से ज़्यादा फंक्शन हैं डेक्स में, किसी ने आज तक सारे के सारे फंक्शन यूज नहीं किए होंगे. सेल्फ बेस्ड या लाइव, ये मैटर नहीं करता कि आप सेल्फ बेस्ड कोर्स कर रहे हैं या कहीं से लाइव सेशंस ले रहे हैं. मैटर करता है कि कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा है. ट्रेनर को ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि यूज़र को, लर्नर को, हमें पहले ए पढ़ाना है, फिर बी पढ़ाना है, फिर सी पढ़ाना है. तो स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है. सेकेंड, ट्रेनर केसेस कैसे कवर कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक लर्निंग कर्व होता है डेक्स में. अगर आप हर लेवल का एक एक केस भी कर लेते हो, तो आपको फेयर इनफ आइडिया हो जाता है. प्लस ध्यान दें कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो किसी भी सब्जेक्ट में. मैं पावर बी आई की बात ना करके अगर नॉर्मली जनरली आपको एक बात बोलूं, तो किसी भी सब्जेक्ट में फाउंडेशन, बेसिक्स स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है. वो अच्छा होना चाहिए. नहीं मैटर करता आप सेल्फ बेस्ड कोर्स ले रहे हैं या कहीं से लाइव सेशंस ले रहे हैं.